हेलो एवरीवन, मैं वासुदेव आज आपको समझाने वाला हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो राटा अलॉटमेंट। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है जब भी कंपनी जितने शेयर्स इश्यू करती है उससे ज्यादा शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जो मार्केट के अंदर अच्छी कंपनीज होती है जब भी अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो उन शेयर्स को खरीदने के लिए पब्लिक बहुत ज्यादा डिमांड करती है कि मतलब हर कोई अच्छी कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहता है। तो इस कंडीशन में जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो उसके लिए जो एप्लीकेशंस आती है वो इश्यू किए गए शेयर्स से ज्यादा आ जाती है। तो इस कंडीशन में कंपनी जितना एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ उनको या तो कंपनी उनको रिफंड कर देती है या फिर उनको प्रोपोर्शनेटली शेयर अलॉट करती है। जैसे कि किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू करे और कंपनी को 12,000 या 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, मान लेते हैं 15,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई, तो 5,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो इन 5,000 शेयर्स पे जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई है या तो वो रिटर्न कर दे या फिर इनको प्रोपोर्शनेटली शेयर अलॉट कर दे। प्रोपोर्शनेटली शेयर अलॉट करने का मतलब है कि कंपनी को एप्लीकेशन आई 15,000 शेयर्स के लिए जबकि कंपनी ने शेयर इश्यू करने हैं 10,000 शेयर्स, तो कंपनी क्या कर सकती है, जो 15 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देगा उसको 10 शेयर दे देगी, जो 30 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देगा उसको 20 शेयर दे देगी, जो 1500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देगा उसको 1000 शेयर दे देगी, और जो 15,000 कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन आ रहा है शेयर्स के लिए उनको कंपनी 10,000 शेयर्स अलॉट कर देगी। अब इस कंडीशन में जब भी कंपनी को एक्सेस अमाउंट रिसीव हो जाता है तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कंपनी को जब भी एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है तो कंपनी प्रोपोर्शनेटली मतलब शेयर देती है, जिसको अपन प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं। अब प्रो राटा अलॉटमेंट की कंडीशन में अपन क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही एक इजी तरीका बताने वाला हूं। अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उस वर्किंग नोट के थ्रू जितना एक्सेस अमाउंट रिसीव हो रहा है उतना एक्सेस अमाउंट अपन एप्लीकेशन पे ले लेंगे। एप्लीकेशन पे लेने के बाद उसको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उसमें सेट करने की कोशिश करेंगे और उसको सेट करके, और वहां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि अगर कॉल्स इन एरर हो जाए तो क्वेश्चन फंस जाता है। उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो वर्किंग नोट में बताने वाला हूं वो जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं, जैसे कि किसी कंपनी ने, जैसे कोई ए लिमिटेड ने मार्केट में 10,000 शेयर्स इश्यू करे। ए लिमिटेड ने कितने शेयर इश्यू करे? 10,000, एक शेयर 10 रुपीज का है। अच्छा, कंपनी जब शेयर इश्यू कर सकती है, जब भी शेयर इश्यू करती है कंपनी, तो एट पार पे भी कर सकती है, एट प्रीमियम पे भी कर सकती है। मतलब ये 10 का शेयर कंपनी 10 में भी दे सकती है, 10 का शेयर कंपनी 11, 12 जितना प्रीमियम कंपनी ले रही है उतना प्रीमियम ले सकती है कंपनी। डिस्काउंट पे जो शेयर्स इश्यू होते थे वो पहले होते थे, आजकल बंद हो गए डिस्काउंट पे शेयर इश्यू होना। तो कंपनी जब भी शेयर इश्यू करती है तो दो तरीके से इश्यू कर सकती है, या तो एट पार पे या एट प्रीमियम पे। तो अपन मान लेते हैं कंपनी ने पार पे शेयर इश्यू कर दिया और 10,000 शेयर्स है, कंपनी ने एक शेयर 10 रुपए का दे दिया कंपनी। अब इसकी इंस्टॉलमेंट कैसे है, जो भी एप्लीकेशन मनी है वो पर शेयर मान लो 3 रुपए है, अलॉटमेंट भी अपन 3 रुपए मान लेते हैं, फर्स्ट कॉल का अमाउंट हम लोग 2 रुपए मान लेते हैं और सेकेंड कॉल का अमाउंट भी हम लोग 2 रुपए मान लेते हैं। नॉर्मली सीबीएसई और आरबीएससी के बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू करे हैं, 3 रुपीज एप्लीकेशन पे है, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे है, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे है एंड 2 रुपीज सेकेंड कॉल पे है। अब क्वेश्चन में अगर ये लिखा जाता है कि कंपनी के पास 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो
हो क्या रहा है, 5000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी को ज्यादा है, तो या तो कंपनी उस 5000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करेगी, या फिर इस 5000 शेयर्स पे जो एक्सेस अमाउंट आ रहा है उसको अलॉटमेंट के लिए या फर्स्ट कॉल के लिए या सेकंड कॉल के लिए रोक लेगी। ज्यादा एक्सेस आ रहा है तो कंपनी फर्स्ट कॉल के लिए भी अमाउंट रोक सकती है, उससे ज्यादा एक्सेस आ रहा है तो कंपनी सेकंड कॉल के लिए भी अमाउंट रोक सकती है, उससे भी ज्यादा एक्सेस आ रहा है तो कंपनी को वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कंपनी जो अमाउंट रोकती है वो अलॉटमेंट तक ही रोकती है, तो आपको फर्स्ट कॉल के लिए वो अमाउंट नहीं रोकना है, वो आपको शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना है। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग एक बनाएंगे वर्किंग ग्रुप। अच्छा, क्वेश्चन ये जो भी क्वेश्चन है मैं आपका ये साइड में लिख देता हूँ। 10,000 शेयर्स इश्यू करें कंपनी ने और कंपनी के पास 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे जो अमाउंट आ रहा है, मतलब कंपनी को जो अमाउंट लेना है वो 3 रुपी 3 रुपी 2 रुपी 2 रुपी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड एट एप्लीकेशन, कंपनी को एप्लीकेशन पे कितना रुपया एडवांस आया। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिसीव्ड अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट में 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कंपनी के पास जो रुपया आएगा वो जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई उसके बेसिस पे 3 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास 45,000 रुपीज आ गया। इसमें से ध्यान रहे कंपनी अपने शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफर करती है जो कि ड्यू होना चाहिए, मींस जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कंपनी अपने शेयर कैपिटल में जो एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन अमाउंट है, एप्लीकेशन अमाउंट जितनी भी है, चाहे कंपनी को कितना भी एप्लीकेशन अमाउंट मिल जाए, कंपनी अपनी जो शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेगी वो इश्यूड शेयर से ही करेगी, ये बात फैक्ट है। तो हम लोग शेयर कैपिटल में जो पैसा ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, लेस ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 30,000 कंपनी के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो कंपनी के पास 15,000 रुपीस एडवांस आ रहा है, तो इसको यहां पर लिख सकते हैं एडवांस मनी रिसीव्ड एट एप्लीकेशन, कंपनी को एप्लीकेशन पे जो पैसा रिसीव हुआ है वो 15,000 रुपीस एडवांस रिसीव्ड। अब कंपनी को जो अलॉटमेंट में पैसा रिसीव होगा, अलॉटमेंट कितने का कंपनी का 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कंपनी को कितनी एप्लीकेशंस आई उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसका ध्यान आपको शुरू में ही रखना है कि कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आ रही है, बाकी 15,000 को दिमाग से आप निकाल दो, आप 10,000 को पकड़ कर रखो, सारी एंट्रीज अपने को 10,000 से ही करनी है। कंपनी ने जितने शेयर इश्यू करे या जनता ने, पब्लिक ने जितने शेयर लिए, सब्सक्राइब जितने शेयर हो गए उसी से ही एंट्रीज होगी। तो अलॉटमेंट आपका बन रहा है 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 30,000, 30,000 में से कंपनी को 15,000 एडवांस आ गया, तो 15,000 कंपनी के पास जो अलॉटमेंट है वो अब आ जाएगा। तो यहां कंपनी को अलॉटमेंट पे जितना पैसा रिसीव होगा उसके लिए अपन एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट ये हो गया, वर्किंग नोट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड एट अलॉटमेंट। सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ड्यू अमाउंट, कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू कितना करेगा,
10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कंपनी ने शेयर कितने इशू करे 10,000, 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा 30,000, इसमें से लेस एडवांस कंपनी को कितना रिसीव हो गया है 15,000, तो कंपनी को अब जो पैसा मिलेगा वो 15,000 ही मिलेगा अलॉटमेंट पे। उसमें से भी अगर राम का अलॉटमेंट बकाया चल रहा है तो वो 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो हाफ उसका हाफ ही चल रहा है, जैसे 1.5 रुपए पर रुपए के हिसाब से ही वो अलॉटमेंट उसका बाकी चल रहा है। कैसे? कंपनी को अब अलॉटमेंट 15,000 चाहिए नहीं, कंपनी को जब अलॉटमेंट पे 15,000 एडवांस आ चुके हैं तो कंपनी अब अलॉटमेंट 15,000 30,000 थोड़े ले लेगी, कंपनी अब अलॉटमेंट कितना लेगी 15,000। तो यहां आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन 10,000 शेयर्स, कंपनी को अब 10,000 शेयर्स पे 15,000 रुपीज रिक्वायरमेंट है, तो पर शेयर कितना रिक्वायरमेंट है। तो यहां से हम लोग राम की कॉल्स इन एरर निकाल सकते हैं, लेस कॉल्स इन अरे 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 150, तो आपको जो अलॉटमेंट रिसीव होगा वो होगा 14,850। कहने का मतलब है अलॉटमेंट था 30,000 रुपए का, जिसमें से कंपनी को 15,000 रुपए एडवांस मिल चुके थे, तो 15,000 रुपए अब आएंगे, उसमें से भी राम का अलॉटमेंट बाकी चल रहा है, तो कंपनी को 15,000 रुपए का अलॉटमेंट चाहिए कितने शेयर्स पे 10,000 शेयर्स पे, तो पर शेयर अलॉटमेंट कितना रिक्वायर है कंपनी को 1.5, तो राम का जो अलॉटमेंट बाकी रहेगा वो 1.5 के हिसाब से बाकी रहेगा, न कि 3 रुपीज के हिसाब से। तो जो अलॉटमेंट पर पैसा रिसीव हो जाएगा वो कितना होगा 14,850। अब आप इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, तो जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं अपन। सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3 45,000। नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव, अब एप्लीकेशन जितने रुपए से क्रेडिट होगी उतने ही रुपए से डेबिट होगी, एंट्री करते वक्त ये बात तो ध्यान रखनी है। एप्लीकेशन को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जितने रुपए से क्रेडिट कर रहे हो उतने ही रुपए से डेबिट कर दो, चाहे आप मनी रिफंड कर रहे हो, चाहे अमाउंट अलॉटमेंट में सेट कर रहे हो, चाहे फर्स्ट कॉल में सेट कर रहे हो, चाहे सेकंड कॉल में सेट कर रहे हो, आपको वो अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट कॉल के टाइम नीचे जाके उसकी एंट्री नहीं करनी, आपको एंट्री करनी है वहीं की वहीं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पीआर 45,000 ये वापस डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3। जब हम लोग ने वर्किंग नोट बनाया था जब भी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल 30,000 रुपीज लिखा था, तो शेयर कैपिटल में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो 30,000 रुपीज ही होगा। अब जो 15,000 एडवांस आ रहा है उसके लिए हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां हम लोग नरेशन डाल सकते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलोंग विद अलॉटमेंट मनी, या इसको कॉल्स इन एडवांस भी बोल सकते हैं। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो थर्ड एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है फिर ड्यू होती है, बाकी सारे इंस्टॉलमेंट पहले ड्यू होती है फिर रिसीव होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप 15,000 को दिमाग से निकाल दो, अब आप किसको ध्यान में रखो 10,000 इश्यूड शेयर से ही सारी एंट्रियां होगी, केवल फर्स्ट एंट्री जितनी एप्लीकेशन आई है उसी से होगी, बाकी सारी एंट्रीज किससे होगी इश्यूड शेयर से ही होगी। तो 10,000
मल्टीप्लाई बाय 3 अलॉटमेंट ड्यू कितना होएगा 30,000। एंट्री नंबर 4 अलॉटमेंट जो रिसीव होगा उसकी अमाउंट हम लोग ने वर्किंग नोट में निकाली थी, कितनी थी 14,850। अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ 30 से, 30 में से 15 कंपनी के पास एडवांस आ गया, तो अब कितना आएगा 15 में से भी राम का जो अलॉटमेंट है वो क्या चल रहा है बाकी चल रहा है, कितने रुपए बाकी चल रहा है 150 जो हम लोग ने वर्किंग नोट में निकाला था। तो अलॉटमेंट जो रिसीव होएगा वो होएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14,850। यहां हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 15,000 माइनस 150, 15 पहले आ गया 15 अब आएगा, इसमें से कौन सी नरर और 150, तो 14,850 हम लोग को रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद में एंट्री नंबर 5 फर्स्ट कॉल ड्यू आएगी, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 20,000 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी 2 रुपए की, तो 20,000। अब जो सिक्स्थ एंट्री में फर्स्ट कॉल रिसीव होगी वो कितने रुपए से होगी 19,800 कैसे, राम के पास कितने शेयर है 100 शेयर, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, हालांकि अलॉटमेंट का कुछ पैसा उसने एप्लीकेशन के साथ दे दिया था, कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग चल रहा था जो अपन ने अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री में से क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब फर्स्ट कॉल भी तो क्या चल रही है उसकी आउटस्टैंडिंग चल रही है ना, तो फर्स्ट कॉल की जो रिसीव की एंट्री करेंगे उसमें से 20,000 में से 200 रुपीज जो राम के बाकी चल रहे हैं कैसे 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200 रुपीज 20,000 में से माइनस कर देंगे, तो फर्स्ट कॉल रिसीव कितने रुपए से होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 माइनस 200 इक्वल टू 19,800 और सेकेंड कॉल भी इतनी ही अमाउंट से ड्यू होगी और इतनी ही अमाउंट से रिसीव होगी क्योंकि सेकेंड कॉल भी 2 रुपए की है तो ड्यू भी 2 रुपए के हिसाब से 20,000 से होगी और जब सेकेंड कॉल रिसीव होगी तो वही राम के पास कितने शेयर है 100 शेयर है, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना चल रहा है 200 रुपीज वो वहां से माइनस हो जाएगा। ये था बेसिक प्रोरेटा अलॉटमेंट।